महेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। एक दिन वो जंगल लकड़ियां काटने गया। उसने वहां पर्याप्त लकड़ियां इकट्ठी कर ली और उन्हें बैलगाड़ी में लादकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नाला पड़ा। कीचड़ से भरे इस नाले से भरी बैलगाड़ी निकालना मुश्किल था, लेकिन महेश ने बैलगाड़ी को नाले में उतार दिया। वजन अधिक होने के कारण बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में फंस गए। उसने बैलों को ललकारा, उन पर चाबुक चलाया, परंतु बैलगाड़ी नहीं निकली। बैलगाड़ी को खींच खींच कर बैलों का दम निकला जा रहा था। महेश ने बैलों की खूब पिटाई की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। शाम होने को आई। महेश की चिंता बढ़ चुकी थी। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे देवता, मेरी रक्षा करो। इस बियाबान जंगल में आपके सिवा मेरा रक्षक कौन है? मेरी गाड़ी पार कर दो, मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा। देवता ने महेश की पुकार सुन ली। वो उसके सामने प्रकट हो गए। महेश उन्हें देखते ही खुश हो गया। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? प्रभु, मेरी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई है। बैल थक गए हैं, कृपया आप मेरी बैलगाड़ी निकाल दें। अरे मूर्ख, बैलों की मारपीट से हल निकलने वाला नहीं। इस तरह भला कहीं गाड़ी निकलती है? तुम भी बैलों के साथ साथ पहिए पर जोर लगाओ और बैलों को ललकारते जाओ, फिर देखना कैसे तुम्हारी गाड़ी कीचड़ से बाहर आती है। महेश ने वैसा ही किया। गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। महेश खुशी से उछल पड़ा। महाराज, आप धन्य हैं महाराज, आपकी कृपा से मेरी गाड़ी बाहर निकल आई। मैं आज ही आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। किसान, मैं प्रसाद का नहीं, बल्कि मैं अपने भक्तों की मेहनत और परिश्रम का भूखा हूँ। तुम्हारी सहायता तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी सहायता स्वयं नहीं करोगे। ये गाड़ी मैंने नहीं निकाली, बल्कि ये तुम्हारी अपनी मेहनत के कारण ही निकली है। क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या आपने मेरी सहायता नहीं की? ये काम मैंने स्वयं किया है। किसान, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। आदमी को दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। देवता भी उनकी ही सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। अर्थात अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। बिल्कुल सही। जो आदमी दूसरों के भरोसे रहता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। दूसरों का मुंह ताकने से अच्छा है कि अपना काम स्वयं करो। मैं समझ गया प्रभु, मैं सब समझ गया। आज से मैं अपना काम स्वयं ही करूँगा। मैं जीवन का मूल सिद्धांत समझ गया प्रभु। Do your work yourself. In a faraway village lived a farmer named Mahesh. He was very hardworking. One day he went into the forest to cut wood. After collecting enough wood, he loaded them into the bullock cart and started to return home. On the way back, there came a drain. It was difficult for the loaded bullock cart to wade through the slush-filled drain. However, Mahesh forced the bullocks through the drain. Since the cart was loaded, it got stuck in the drain. Mahesh tried to persuade the bulls, even beat them. However, the bullock cart would not move. Due to the effort, even the bulls started tiring. Mahesh tried to move the bulls by beating them mercilessly. However, no avail. Mahesh started to get worried as evening approached. Oh God, what will happen now? Please, please protect me in this desolate jungle. There is nobody but you, my God. Now who can protect me? Please pull my cart through this drain. I shall offer you sweets and offerings. God heard Mahesh's prayer and appeared before him. Mahesh was overjoyed when he saw God. What happened, son? Why are you so worried? Dear God, my bullock cart is stuck in the drain. My bullocks are also tired. Please, please pull this cart out of this drain, please. You fool, by beating the bulls, you will not achieve anything. Along with the bulls, push the wheels of the cart and see the results. Mahesh did as he was told. The cart came out of the drain. Mahesh jumped with joy. Oh God, you are great. Only with your blessings, this cart is out of this drain. I shall offer you sweet today itself. I am not hungry for your offerings, but I am hungry for the hard work and perseverance of my devotees. Nobody will help you till you help yourselves. This cart came out of the drain not due to my blessing,
but by your own effort. What are you saying? You have not helped me? This work has been done by me? You do not seem to understand. You must not rely on anybody for your work. You must do your work yourself. God also help those